दोस्तों आईपीएल 2024 का 60वां मुकाबला आज खेला गया था कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में। और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चार टीमें आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी और इसके साथ ही यहाँ पर से किस टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए मिनिमम कितना मैच जीतना पड़ेगा और पर्पल कैप ऑरेंज कैप किसके पास है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करे तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताएंगे कि आपकी फेवरेट टीम कौन से इक्वेशन के तहत इस साल प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल का 60वां मुकाबला इस सीजन का आज खेला गया था कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में। और इस मैच के खत्म होते ही आईपीएल का पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल गया। पॉइंट टेबल 10वें पायदान पे है सैम करन की कप्तानी वाली यानी कि पंजाब किंग्स की टीम। और पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से पंजाब किंग्स की टीम को सिर्फ 4 मैच में ही जीत मिल पाया और 8 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी पंजाब किंग्स की टीम टोटल 12 में से 4 मैच जीतने और सिर्फ यहां पे 8 मैच हारने के चलते 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। और पंजाब किंग्स की टीम का नेट रन रेट -0.423 है और पंजाब की टीम आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ के दौर से ऑफिशियली पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, यानी कि पंजाब किंग्स अब इस साल किसी भी कंडीशन में आईपीएल के प्ले ऑफ में नहीं जा पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पे है आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि 5 बार की चैंपियन और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 में सबसे अधिक 13 मैच खेल लिए है, जिसमें से मुंबई इंडियंस की टीम को सिर्फ 4 मैच में ही जीत नसीब हुआ और 9 मैचों में मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी मुंबई इंडियंस की टीम टोटल 13 में से 4 मैच जीतने और सिर्फ यहां पे 9 मैच हारने के चलते 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पे है और मुंबई इंडियंस की टीम का नेट रन रेट -0.350 है और मुंबई की टीम ऑलरेडी आईपीएल के प्लेऑफ के दौर से बाहर है। और इस साल जितना खराब प्रदर्शन मुंबई की टीम ने किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल जब ऑक्शन होगा तो मुंबई की टीम अपना स्क्वाड पूरी तरीके से चेंज कर देगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में अगले पायदान पे है गुजरात टाइटंस की टीम। और गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 5 मैच में ही गुजरात टाइटंस की टीम को जीत मिला और 7 मैचों में गुजरात टाइटंस की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो अभी गुजरात टाइटंस की टीम टोटल 12 में से 5 मैच जीतने और 7 मैच हारने के चलते 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में काबिज है और गुजरात टाइटंस की टीम का नेट रन रेट -1.063 है। हालांकि मैथमेटिकली गुजरात अभी प्लेऑफ के दौर से बाहर नहीं है, लेकिन इनका नेट रन रेट जितना ज्यादा खराब है, आप लोग मान के चलो कि 99.99% ये टीम प्लेऑफ से बाहर है, क्योंकि इनका नेट रन रेट इतना खराब है कि 14 अंक के साथ भी गुजरात प्लेऑफ में नहीं जा पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पे आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम और फाफडू प्लेसिस की कप्तानी वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और आरसीबी ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 5 मैचों में जीत मिला, लेकिन 7 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। तो अभी आरसीबी की टीम टोटल 12 में से 5 मैच जीतने और 7 मैच हारने के चलते पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ 7वें पायदान पे है। और आरसीबी टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इनका नेट रन रेट +0.217 है और बेंगलुरु को प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम दोनों मैच जीतना पड़ेगा और प्रे करना पड़ेगा कि चेन्नई की टीम यहां पर से दोनों मैच हारे और इसके साथ ही दिल्ली और लखनऊ की टीम भी कम से कम एक एक मैच हारे, तभी जाकर के बेंगलुरु के लिए आईपीएल के प्लेऑफ का टिकट का दरवाजा खुलेगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पे है केएल राहुल की टीम यानी कि केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट की
की टीम और लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से 6 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट की टीम को जीत मिला और 6 मैच में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना भी करना पड़ा। तो अभी लखनऊ सुपर जायंट टोटल 12 में से 6 मैच जीतने और 6 मैच हारने के चलते 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में छठवें पायदान पे है और लखनऊ सुपर जायंट का नेट रन रेट -0.769 है। और यहाँ पर से अगर लखनऊ सुपर जायंट की टीम को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम दोनों मैचों को जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही एलएसजी की टीम इस साल प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवें पायदान पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से 6 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत मिला लेकिन 6 मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम टोटल 12 में से 6 मैच जीतने और 6 मैच हारने के चलते 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पे है और दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट -0.316 है। और यदि यहां पर से दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम दोनों मैचों को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जा पाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी या नहीं? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में बताना ना भूलें। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पे है डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से 6 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत मिला लेकिन 6 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। तो अभी सीएसके की टीम टोटल 12 में से 6 मैच जीतने और 6 मैच हारने के चलते 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पे है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का नेट रन रेट +0.491 है। और यदि यहां पर से सीएसके की टीम को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम दोनों मैचों को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के चेन्नई प्लेऑफ में जा पाएगी। और चेन्नई सुपर किंग्स के आने वाले मैच जो है वो होंगे सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और इसके बाद सीएसके अपना अंतिम मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चिन्ना स्वामी में खेलती हुई नजर आएगी। तो चेन्नई के लिए दोनों मैच डू और डाई की तरह होगा। वहीं पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पे है पैट कमिंस की कप्तानी वाली यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से 7 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत मिला लेकिन 5 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हार का सामना भी करना पड़ा। तो अभी एसआरएच की टीम टोटल 12 में से 7 मैच जीतने और 5 मैच हारने के चलते 14 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पे मजबूत है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट +0.406 है। और यदि यहां पर से एसआरएच की टीम को आईपीएल के प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो अंतिम दो में से सिर्फ एक मैच जीतना पड़ेगा, तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास इस सीजन में प्लेऑफ में जाने का सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे आईपीएल इतिहास की सबसे पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम और राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 11 मैच खेले, जिसमें से 8 मैचों में राजस्थान रॉयल्स को जीत मिला और सिर्फ 3 मैच में ही राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी राजस्थान रॉयल्स टोटल 11 में से 8 मैच जीतने और सिर्फ 3 मैच हारने के चलते 16 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सेकेंड रैंक पे है और राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट +0.476 है। और यदि राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जाना है तो इनको कुछ भी नहीं करना क्योंकि 16 अंकों के साथ ये टीम प्लेऑफ में जा चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे आज के मैच की विनर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल 12 मैच खेले, जिसमें से 9 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत मिला और सिर्फ 3 मैच में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जहां पे आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने हरा दिया मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम को। तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स टोटल 12 में से 9 मैच जीतने और सिर्फ 3 मैच हारने के चलते 18 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे जा चुकी है और केकेआर का नेट रन रेट +1.453 है। और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जाने वाली पहली ऑफिशियल टीम बन चुकी है यानी कि केकेआर की टीम,
आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये था आईपीएल 2024 में आज का नया पॉइंट टेबल। पर्पल कैप ऑरेंज कैप के बारे में बात किया जाए तो अभी पर्पल कैप मौजूद है हर्षल पटेल के पास, जो कि सर्वाधिक 20 विकेट चटका चुके हैं, और ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास है जो कि 634 रन ठोक चुके हैं। तो ये था आईपीएल में आज का नया पॉइंट टेबल। पर्पल कैप ऑरेंज कैप से जुड़ी सभी जानकारी और इस सीजन में प्लेऑफ में जाने वाली चार टीमों के बारे में बात किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई, ये चार टीमें प्लेऑफ में जाएगी। आपके हिसाब से कौन सी चार टीम आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? चारों टीमों का नाम कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।